बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चटपटा मसाला में खुश आमदेद। आज मैं बना रही हूँ चिकन भिंडी, कच्चा पका है। अब ये सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन, यस हरी मिर्च का पेस्ट, तीनों डाल के भूनेंगे। ज़रा 2 मिनट भूनना। जब खुशबू आने लगे तो साथ ही चिकन डाल देंगे। ये कलर वाइट आ गया ना, बस अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो गए हैं, और साथ ही ये सूखा धनिया आधा टीस्पून, ये जीरा, नमक, हल्दी और काली मिर्च एक चुटकी, और कुटी लाल मिर्च एक टीस्पून भर के डाल दें। ये सारे मसाले ये डाल दें। और ये देखेंगे मैंने मसाले के लिए पानी थोड़ा सा डाल के अब इसे कवर कर देंगे। ये जब तक गल जाता है अब मैं दूसरा स्टेप दे रही हूँ। अब ये चाहिए, ये ऑयल डाली है मैंने एक चम्मच, और अब इसमें भिंडी डाली है, आधा किलो भिंडी है। ये फ्राई करके इसे निकाल लूँगी मैं। और 2 मिनट के बाद इसमें मैं डालूंगी ये नमक। नमक से ये के अंदर तक रच जाता है नमक भिंडी में। और कलवंजी, एक चुटकी मेथी दाना कुटा हुआ, एक चुटकी ये राई, और 2 चुटकी हल्दी। अब 1 टीस्पून लेवल करके वो मिर्चें पिसी हुई, दाल पिसी हुई मिर्चें। अब ये दूसरा स्टेप है। अच्छी तरह साफ। अच्छा, भिंडी फ्राई हो गई है, अब सॉफ्ट भी हो गई है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, निकाल के फिर तीसरा स्टेप करना है। तीसरा स्टेप ये है कि ऑयल मैंने डाला थोड़ा सा, 1 चम्मच, और उसमें अब प्याज 3 बड़े डाले थे, अब मैं इसमें प्याज डालने लगी हूँ। अब इसको जरा प्याज डाल के जरा सॉफ्ट करनी है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें नमक डालोगे थोड़ा सा। नमक डाल के फिर इसमें टमाटर डालूंगी। सॉफ्ट हो गए हैं, तब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, आधी टीस्पून है, और ये टमाटर 2 अदद टमाटर है ये डाल रही हूँ। और ये और साथ में हरी मिर्चें 3 अदद ये काट के डाल रही हूँ, ये दरमियाने साइज की हरी मिर्चें थी वो डाल रही हूँ। हो गया, अब मैं भिंडी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये भिंडी जो फ्राई की थी ना,
ये ऐड करें। अब ये मिक्स करें, अब जरा थोड़ा मिक्स हो जाए और ये रख बन जाए, फिर 5 मिनट पका के फिर इसको मैं चिकन में डालूँगी। अब ये हो गई भिंडी और प्याज, अब मैं ये चिकन में डालने लगी हूँ, फिर भिंडी मेरी तैयार हो जाएगी। हाँ, ढक्कन देके 5 मिनट के लिए पकाऊंगी और गरम मसाला जरा सा डालूंगी, एक चुटकी गरम मसाला डालूंगी। एक चुटकी मेरी गरम मसाला, इससे सालन टेस्टी हो जाता है। अब ये 5 मिनट पकेगी और बस, मैं ये कवर करके मैं रख रही हूँ 5 मिनट, फिर मैं डिश आउट करूँगी। अब मैंने भिंडी डिश आउट कर ली है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।